डायनो अंकल खिड़की में बैठे चांद को बड़े गौर से देख रहे थे और सोच रहे थे कि चांद पर भी तो डायनो रहते होंगे। इसी सोच में उन्हें ख्याल आया कि दादी जान ने एक दफ़ा कहा था कि चांद पर परियां रहती हैं, तो डायनो अंकल के जहन में ये बात क्लिक कर गई कि डायनो भी तो चांद पर रहते होंगे। इसी ख्याल में गर्क डायनो अंकल की आंख लग गई और वो सो गए। सुबह हुई तो डायनो अंकल परेशानी के आलम में मुरझाई हुई शक्ल के साथ बिस्तर से उठे और सबके साथ मिलकर नाश्ता किया। डायनो अंकल की मुरझाई हुई शक्ल देखकर हाशिर ने उनसे पूछा, डायनो अंकल आज बड़े चुप चुप हैं, खैरियत तो है? बहुत उदास लग रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सोच रहा हूँ कि चांद पर भी तो डायनो रहते होंगे ना। डायनो अंकल के सवाल सुनकर सब हंस दिए और अपने नाश्ते में मशगूल हो गए। नाश्ते से फारग हुए तो दरवाजे पर घंटी बजी। अबू जान ने हाशिर से कहा, जाकर देखो दरवाजे पर कौन है। ओ मामू जान आए हैं। मामू जान कैसे हैं आप, और आपका पिछला खलाई सफर कैसा रहा? हाशिर बेटे बहुत खूब। डायनो अंकल हाशिर और उसके मामू की बातें सुन रहे थे और परेशान थे कि खलाई सफर क्या होता है। बिलाखर डायनो अंकल ने हाशिर से पूछ ही लिया कि खलाई सफर क्या होता है। फिर ये खलाई सफर क्या होता है, ये क्या चीज है? खला में जाने को खलाई सफर कहते हैं। ये खला क्या होता है, क्या ये चांद के सफर को खलाई सफर कहते हैं? हाँ डायनो अंकल। ये सुनते ही डायनो अंकल की आंखें खुशी से चमकना शुरू हो गई। डायनो अंकल ने भी मामू जान को सलाम किया और अपने दिल की बात कह दी, अस्सलामुअलैकुम मामू जान, क्या मैं भी चांद के सफर पर आपके साथ जा सकता हूँ? मामू जान मुस्कुराए और उससे कहा, नहीं आप नहीं जा सकते, इसके लिए तो इजाज़त लेनी पड़ेगी। मामू जान आप मेहरबानी करें और मेरे लिए इजाज़त ले लें, मैं चांद पर जाकर देखना चाहता हूँ कि हमारे डायनो भाई वहाँ पर रहते तो होंगे ना। इस मासूमाना सवाल पर मामू जान हंस पड़े और हाशिर से पूछा, अरे ये कौन साहब हैं, इनसे तो पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। मामू जान ये डायनो अंकल हैं, ये जंगल से हमें मिलने आए हैं खास तौर पर। अरे वाह भाई, डायनो अंकल वो भी हमारे घर में। मामू जान मैं चांद पर जाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर अपने डायनो भाइयों से मिलना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाशिर ने फौरन डायनो अंकल को हौसला देते हुए कहा, हाँ डायनो अंकल मैं अपने मामू को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको चांद के सफर में ले जाए। और फिर रात के खाने पर हाशिर ने अपने मामू से डायनो से किए हुए वादे के बारे में बात की। मामू जान प्लीज प्लीज डायनो अंकल को चांद के सफर पर ले जाए। बेटा हाशिर ये मुश्किल काम है, इसके लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी। मामू जान प्लीज प्लीज इजाज़त लेना। चलो हाशिर बेटा मैं कोशिश करता हूँ। सुबह उठते ही मामू जान ने सबसे पहले अपने ऑफिस फ़ोन किया और उनसे डायनो के जाने के लिए इजाज़त चाही। एक दिन के बाद मामू जान को उनके ऑफिस से कॉल आई और डायनो को जाने की इजाज़त मिल गई। जब मामू जान ने ये खुशखबरी हाशिर और डायनो को सुनाई तो वो दोनों बहुत खुश हुए। खलाई सफ़र पर जाने के लिए इन सब को चाइना जाना था, इसलिए सब ने अपना सामान बांध लिया और चाइना के सफ़र के लिए रवाना हो गए। हाशिर और डायनो दोनों बहुत खुश थे। डायनो अंकल अब तो खुश हो ना? हाँ भाई हाशिर, मुझे तो इजाज़त मिल गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ खलाई सफ़र पर आओ। हाँ डायनो अंकल मैं भी चलता हूँ, मैं मामू से बोलूँगा कि मुझे भी साथ ले जाएं। अब डायनो अंकल के साथ साथ हाशिर ने भी अपने मामू से खलाई सफ़र पर जाने की इजाज़त मांगी। हाशिर ने मामू को बहुत इसरार किया कि वो भी जाना चाहता है। बिलाखर मामू ने उसे साथ ले जाने पर आमादगी का इजहार कर दिया। अगले रोज़ मामू जान डायनो और हाशिर को अपने साथ ऑफिस ले गए। वहाँ उन्हें कुछ ज़रूरी मालूमात फराहम की गई और इसके साथ साथ उनको उनके स्पेस सूट्स भी दिखाए गए। मामू जान ये स्पेस सूट क्या होता है, क्या हम खला में ये सूट पहनेंगे? जी हाँ
खलाई मुसाफिर जिन्हें एस्ट्रोनॉट कहते हैं वो ये खलाई लिबास पहनकर खला का सफर करते हैं। मामू जान ने हाशिर को और डायनो को खलाई सूट और खलाई जहाज के बारे में काफ़ी सारी मालूमात दी और उन्हें इसके चलाने के बारे में बताया। अब दो दिन के बाद खलाई मिशन ने खला में रवाना होना था और हाशिर और डायनो अंकल की तकरीबन तैयारी मुकम्मल थी। दो दिनों के बाद मामू हाशिर और डायनो अंकल खलाई स्टेशन पहुंचे तो वहां मामू ने उनका बाकी स्टाफ से तारुफ करवाया और उन्हें उनके खलाई सूट भी दे दिए। डायनो और हाशिर की खुशी की इंतहा न थी, वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि अब वो खलाई सफ़र पर जा रहे हैं। मामू जान ने हाशिर और डायनो को उनकी सीट पर बिठाया और सीट बेल्ट बांध दिए। थोड़ी ही देर में स्पेसशिप ने टेक ऑफ किया तो चाचा डायनो घबरा गए और कहने लगे, अरे अरे मुझे संभालो, मैं गिर जाऊंगा, कोई मुझे पकड़ तो ले, मैं गिर रहा हूँ। मामू जान ने डायनो को हौसला देते हुए कहा, डायनो नहीं गिरोगे तुम, थोड़ी देर बाद आप बेल्ट उतार कर आराम से चल सकते हो। जब स्पेसशिप खला की हदूद में दाखिल हुआ तो डायनो और हाशिर दोनों उड़ने लग पड़े। अरे वाह हाशिर, मैं तो उड़ रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, क्या तुम भी उड़ रहे हो? हाँ डायनो अंकल, मैं भी उड़ रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। कैसे मुमकिन है, मेरे तो पर भी नहीं है हाशिर। मामू ने हाशिर और डायनो दोनों को मुखातिब किया और कहा, क्योंकि कशिश थकल या ग्रेविटी फोर्स ख़त्म हो गई है इसलिए आप दोनों उड़ रहे हैं। हाशिर और डायनो को शीशों और प्रोजेक्ट स्क्रीन की मदद से बाहर नज़र आने वाले नज़ारों ने अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया और वो हैरत से उनको देखने में मगन हो गए। डायनो चाचा ने अचानक पुरजोश अंदाज में कहा, ये क्या है, इतना चमकदार और खूबसूरत है। मामू जान ने मुस्कुराते हुए कहा, सितारों के इस झुरमट को कहकशां कहते हैं, करोड़ों सितारों के मजमुए को कहकशां कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे गैलेक्सी कहते हैं जो कि लातिनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सोलर सिस्टम के बारे में हम आपको मज़ीद मालूमात अगली किस्त में फराहम करेंगे।